बीइंग एन इमिग्रेंट माई सेल्फ, ये पिक्चर देखने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज करी और वो ये है कि इस पिक्चर की कहानी की ना नब्ज को पकड़ा है राजू हिरानी ने। हाय गाइस, मैं उशांत हूं और डंकी फाइनली रिलीज हो चुकी है। और जैसे कि मैंने कहा था इस पिक्चर के टीजर और ट्रेलर रिव्यू में कि यहां पे इस बार इस फिल्म के साथ बात नंबर्स की नहीं है, 2000 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, 800 करोड़ उसकी बात नहीं है, यह बात है राजू हिरानी के स्टोरी टेलिंग मैजिक की। और जब इसी मैजिक को शाहरुख खान की एक्टिंग के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो कैसी थी डंकी, क्या क्या मुझे अच्छा लगा और क्या क्या मुझे नॉट सो अच्छा लगा फिल्म के अंदर, आज बात करेंगे उसी बारे में ऑनेस्टली सेइंग। दो मैसिव मास मसाला हिट्स देने के बाद शाहरुख खान ने एक ऐसी स्क्रिप्ट को चूज किया जिसकी अनाउंसमेंट के बाद हर किसी को यह लग रहा था कि क्या राजू हिरानी ने शाहरुख खान को इस फिल्म में कास्ट करके सही करा है या गलत। और दूसरी तरफ यह भी चर्चा थी कि भैया राजू हिरानी के साथ काम करके शाहरुख खान कैन एक्चुअली ब्रिंग आउट वन ऑफ हिज करियर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। पठान, जवान दोनों मैसिवली सक्सेसफुल हुई और ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला था शाहरुख खान के हाथों में। वो चाहते तो एक तीसरी पिक्चर भी ऐसी ही बना सकते थे जो मास मसाला थी, गारंटीड हिट, लेकिन ही वेंट अहेड, टुक अ रिस्क और उन्होंने जो तीसरी फिल्म इस साल साइन करी वो थी डंकी। अब ये बात हर किसी को पता है कि डंकी बेस्ड है डंकी के इलीगल इमिग्रेशन प्रोसेस पर, बट ये फिल्म ना इस पिक्चर के नाम से बहुत ज्यादा अंदर है। ये तुम्हारे को इमोशनली चार्ज कर देगी क्योंकि ये पिक्चर तुम्हारे को लेके जाती है उन दिमागों के अंदर, उन सोचों के अंदर, उन परिवारों के अंदर जहां पे बाहर जाना ही सब कुछ है। जब तुम डंकी देखोगे ना, सबकॉन्शियसली सबसे पहले तुम्हारे को एक थॉट स्ट्राइक करेगा और वो ये होगा कि ever since pandemic हम इतने ज़्यादा overload हो चुके हैं action फिल्मों से, same जैसी चीज़ें दिखती हैं, मार काट देख देख के इतने ज़्यादा ऊब गए थे, लेकिन हमारे को ये चीज़ realize होगी डंकी देखने के बाद, because this is the film that we needed to break that monotony, we needed the Raju Hirani to come rescue us from all the overloaded action films। फिल्म में तुम्हारे को desperation देखने को मिलेगी कुछ ऐसे इंडियन यूथ की जो किसी भी हाल में बाहर सेटल होना चाहते हैं। पिक्चर का पहला हाफ बहुत लाइट हार्टेड है एंड एट द सेम टाइम स्टोरी के फंडामेंटल्स को बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर देता है। जिन लोगों को डंकी के प्रोसेस के बारे में नहीं पता, बाय द टाइम दे रीच द इंटरवल दे वुड नो क्लियरली कि भैया डंकी का प्रोसेस होता क्या है और इस पिक्चर में अगले हाफ में तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फिर जब तुम दूसरे हाफ में जाओगे, यू विल बी ब्लोन अवे बाय हाउ गुड द स्क्रीन प्ले ऑफ दिस फिल्म इज व्हेन इट कम्स टू इमोशन। कैसे पंजाब का यूथ पागल हो रखा है, बिल्कुल बावला हो रखा है बाहर जाने के लिए और वो बाहर अब्रॉड सेटल किसी भी तरीके से होना चाहता है, चाहे वो लीगल हो चाहे वो इलीगल हो। और इसी कहानी को राजू हिरानी ने बहुत ही बेहतरीन स्क्रीन प्ले में उतारा है। उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनका स्टेटस किसी कंट्री में लीगल है या इलीगल है, उनको फर्क नहीं पड़ता कि उनको यहां पे टॉयलेट साफ करने पड़ रहे हैं या फिर मिनिमम वेज पे या फिर उससे भी कम वेज पे 20-20 घंटे रगड़ना पड़ रहा है काम करके जस्ट टू सर्वाइव देयर। ऑल दे वांट टू डू इज टू लिव इन अ फॉरेन कंट्री विदाउट एनी एम्स एंड फोकस इन लाइफ। और ये देख के ना मेरे को उन लोगों की याद आ गई जो कनाडा में रहते हुए मैंने पिछले 4-5 साल में ऐसे लोग देखे हैं जो इलीगली यहां पे आए हैं और उनकी लाइफ कितनी बद से बदतर हो गई है। राजू हिरानी ने इस कहानी में शाहरुख खान के द्वारा बहुत ही बढ़िया तरीके से इस चीज को दिखाया है। आई ओपनिंग शॉट्स है पिक्चर के अंदर कुछ कुछ। बीइंग एन इमिग्रेंट मायसेल्फ, ये पिक्चर देखने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज करी और वो ये है कि इस पिक्चर की कहानी की ना नब्ज को पकड़ा है राजू हिरानी ने। शुरू में तुम्हारे को ये बात बताई जाएगी कि इंग्लैंड, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में इतनी सारी जो पंजाबी जेंट्री है, जो पंजाबी सेटल्ड है इतने मैसिव नंबर्स में, उनकी माइग्रेशन शुरू कैसे हुई थी वहां से और वहां से वो स्टोरी आगे बढ़ती है। एंड ही डेल्ट विद द स्टोरी वेरी वेरी इंटेलिजेंटली। डिलेमा और कंफ्यूजन के कुछ शॉट्स हैं फिल्म के अंदर जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनके, तो तुम्हारे को वो देख के लगेगा कि राजू हिरानी ने ना समझा है उन लोगों की मेंटालिटी को जो यहां से वहां होना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास जरिया नहीं है, या तो उनको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती लेकिन फिर भी डेस्परेशन इतनी ज्यादा है कि उनको बस जाना ही जाना है। ये साइकी बहुत अच्छी तरह समझी है राजू हिरानी ने। एसआरके की इस पिक्चर में परफॉर्मेंस देख के एक बात फिर से क्लियर हो जाती है जो हम सबको सबकॉन्शियसली कहीं ना कहीं पता है, हीरो ही इज अ मेलोड्रामेटिक सुपरस्टार जिनको जब ड्रामे की एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाए तो वो कितनी अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं। अलोंग विद शाहरुख खान, बमन ईरानी एंड विक्की कौशल कंप्लीटली शाइन इन द फिल्म। आई थिंक सैम बहादुर के बाद विक्की कौशल की ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है पिक्चर के अंदर। इनफैक्ट जब तक पिक्चर खत्म होगी विक्की कौशल तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स बन चुका होगा पिक्चर का। तापसी पन्नू आल्सो वेरी सरप्राइजिंगली डज अ वेरी डीसेंट जॉब। फिल्म में कॉमेडी अच्छी है, इसकी तैयारी करी है
या फिर जो लोग पंजाब से हैं या फिर ऐसे दोस्तों को जानते हैं जो पंजाब से हैं और जिन्होंने आईएलटीएस के कुछ कुछ ऐसे मेकशिफ्ट सेंटर्स में जाके तैयारी करी है जहां पर टीचर्स को खुद ही इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो इस वाली कॉमेडी से काफी रिलेट कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों का इनफैक्ट मेरा खुद का ये डाउट था कि क्या डंकी इलीगल इमिग्रेशन को ग्लोरीफाई करेगी, उसको जस्टिफाई करेगी। तो भैया ये पिक्चर देखने के बाद मैं तुम्हारे को बहुत सेफली ये बता सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये तुम्हारे को एक ट्रांसपेरेंट व्यू देती है कि इलीगल इमिग्रेशन कितनी गलत हो सकती है, कितनी जिंदगियां ये बर्बाद कर सकती है। एंड बाय द एंड ऑफ दिस फिल्म यू विल अंडरस्टैंड कि राजू हिरानी ने इस टॉपिक को जिस हिसाब से इस पिक्चर में, इस स्क्रीन प्ले में डील किया है, वो क्यों किया है और इसका मैसेज कितना लॉन्ग लास्टिंग है। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है, कई इमोशनल सीन्स को बहुत अच्छी तरह से एलिवेट करता है ये बैकग्राउंड म्यूजिक। बट एट द सेम टाइम कुछ शॉट्स में मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे और ज्यादा बेटर हो सकता था बीजेम। एक ऐसे एटमोस्फेयर में जहां पे हर कोई मास मसाला एक्शन फिल्में बना रहा है, लाउडर एंड लाउडर होते जा रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक, ज्यादा से ज्यादा गन्स और गोलियों की बात हो रही है, उस एटमोस्फेयर में डंकी जैसी फिल्म देखना जो आपको इमोशनली भी टच करेगी, आपको कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी तरह एजुकेट भी करेगी एक रॉन्ग प्रैक्टिस के बारे में। एंड एट द सेम टाइम जब आप निकलोगे ना थिएटर से, यू वुड हैव दिस स्टोरी लिविंग एट द बैक ऑफ योर हेड जस्ट लाइक एवरी अदर राजू हिरानी फिल्म। अब लाजमी सी बात है कि डंकी और सालार रिलीज क्लैश हो रहे हैं और ये बात हम सबको पता है कि इन दोनों के टॉक्सिक फैन क्लब आपस में कैसे क्लैश कर रहे हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि दोनों की दोनों फिल्में बिल्कुल अलग ऑडियंस को केटर करती हैं। डंकी एक तरफ जहां पर कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है, सालार एक मास मसाला एक्शन फिल्म है, उसकी ऑडियंस अलग है, उसकी शेल्फ लाइफ अलग है। डंकी की शेल्फ लाइफ बहुत लंबी होगी जस्ट लाइक एवरी राजू हिरानी फिल्म, इट विल हैव अ वेरी लास्टिंग इंपैक्ट। अब देखना यह है कि सालार कैसी होगी। अभी के लिए डंकी जाओ और परिवार के साथ तुम देख सकते हो, कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएगा। मेरे हिसाब से एनिमल जो लोग अपने मां बाप को दिखाने ले गए थे, तो भैया तुम्हारा रिडेम्पशन है, उनको डंकी दिखाने ले जाओ, एवरीबॉडी विल हैव अ वेरी गुड टाइम। मेरे को मजा आया, मैंने अपनी फैमिली के साथ देखी पिक्चर। अब तुम्हें यह पिक्चर कैसी लगी देखने बाद कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करते जाना। तब तक के लिए हम मिलते हैं सालार के रिव्यू में। मामा मिया लजाने पप्पी बाय बाय। अब मुझे चेंज करने अपनी बेटी के डायपर, मैं चला बाय बाय।